Dozier Season 5, where we delve into the extraordinary stories of courage, brotherhood, honor, and glory. I'm your host, Ria. As we celebrate 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas this year, we pay tribute to the brave heroes of our nation. Today, we have Colonel Anil Bhatia with us, who was the commanding officer of 11 Rajputana Rifles, which was assigned to recapture the highest peak, that is 0.5590 at Turtuk sector. Let us know more about this mission. Welcome to the show, sir. Thank you. Tell us what motivated you to join armed forces. Actually, Ria, my father, he was also in army. He joined Indian Army in 1947, early 1947, before the partition, in ranks. He joined as a sepoy, and then he rose to become an officer in Indian Army. So while growing up and moving along with him as a family, so that is the time I used to get attracted towards army life, the environment, and all these, and also I used to get attracted towards the uniform people. That is how, while in school, I decided that I will also join the army. Highest peak thi 5590. So, aapko uska commanding officer banaya gaya tha to recapture 11 Rajputana Rifles. Can you tell more about that mission? This peak 5590 is somewhere between Chorbhatla and Siachen Glacier. ये 5590 कैसे इसकी बात आई? अगर आप कारगिल वॉर में देखेंगे तो कारगिल वॉर बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम दराज सेक्टर, यू आर अवेयर ऑफ इट, एंड मशको सेक्टर, कारगिल सेक्टर, काक्सर सेक्टर, एंड देन कमिंग टू बेटालिक. सो दीज आर द एरियाज, दीज आर द 4-5 एरियाज जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा के काफ़ी नज़दीक है. और यहाँ पहुँचने के लिए, तुरतुक साइड जाने के लिए या सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाने के लिए, आपको पहले लेह जाना पड़ता है, फिर यू हैव टू क्रॉस अनदर पास, दैट इज़ खारदुंगला पास, जो दे कहते हैं कि वो हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड था. उसको क्रॉस करने के बाद जब आप सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, एंड वहाँ से फिर आप तुरतुक विलेज की तरफ जाते हैं, सो दैट इज़ द एरिया यू रीच देयर. व्हाई 5590 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अलोंग द एलओसी, अगर आप हाइट्स को पकड़ लेंगे, वहाँ से आपको रोल डाउन नीचे करके आके, and then to reach Turtuk, it becomes that much easier, उनका प्लान एक्चुअली, पाकिस का प्लान ये था कि उधर से नेशनल हाईवे 1 अल्फा को इंट्रोडिक्ट करेंगे, सो दैट द ट्रूप्स एंड द अदर सप्लाईज कैनॉट रीच द सियाचिन ग्लेशियर, एंड इफ दे कम थ्रू सैडल एंड 5590, दे विल कम डाउन टू द तुरतुक विलेज. फ्रॉम देयर दे कैन इंट्रोडिक्ट द, दे कैन थ्रेटन, मतलब वो नज़दीक आ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के. सो दिस तुरतुक विलेज वॉज विद पाकिस्तान टिल 1971. सो 1971 वॉर में इंडियंस ने अटैक करके जो तुरतुक विलेज एंड एरियाज अराउंड थांग, त्याक्षी, ये जो कैप्चर किया था. सो दैट वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ 5590, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप हाइट पे आ जाते हैं, फिर वहाँ से आपको रोल डाउन करके नीचे तुरतुक विलेज तक आने में दैट मच ईजियर हो जाता है. सर, फिर इतनी ज़्यादा ऊँची हाइट, इतनी चैलेंजिंग पोजिशन थी वो, तो हाउ डिड योर टीम मैनेज एंड हाउ, वॉट आर द चैलेंजेस दे फेस? लाइक ये तो वी नो कि ओके, बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस वर वेरी डिफिकल्ट, दैट इज देयर, वो हर जगह, वो माउंटेन्स में होती है. हाई, वी इन आर्मी वी कॉल इट
हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़। वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में हर जगह ये डिफ़िकल्टीज आती हैं। इट इज़ नथिंग वेरी न्यू अबाउट दिस एरिया, बट यस रिजेज आर रेजर शार्प, शार्प रिजेस, मतलब आप उसमें कहीं कोई ट्रैक नहीं है, चलना बड़ा मुश्किल है, चल नहीं सकते। अगर आप चलेंगे उसमें, पहली बात तो आपका वेट है, दूसरा आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तीसरा जो है वो आवाज़ करते हैं, जो स्टोन्स हैं वो आवाज़ करते हैं, एंड देन नीचे ग्लेशियर है, अगर स्लिप होते हैं तो ग्लेशियर के अंदर जाते हैं, एंड सामने 5590 सैडल एंड 5720 विकेट, यहाँ पर यू नो पाकिस बैठे हैं। वी हैड नो आइडिया कि वो यहाँ पर आके बैठे हैं, बिकॉज उन्होंने जो अपने हाइट्स के ऊपर जो बंकर बनाए थे, आई वुड से बंकर्स कह लो या इन संगर्स कह लो, संगर्स जो स्टोन्स को, मोटे मोटे स्टोन्स को लगा के दीवार, एंड उसमें लूप होल बना के, एंड वहाँ पर वो बैठे थे, एंड दे हैड चोजन, दे हैड सिलेक्टेड वेरी डोमिनेटिंग हाइट। So in the month of June, you would have heard that Captain Hanifuddin, unka naam aapne suna hoga, he was the one who he volunteered to take a patrol, a commando patrol. As he was nearing, he went very near to the 5590, that objective, and that is where in the firefight that he got killed with Naib Subedar Mangej and Rifleman Parvesh. And then since the task was given, to sabse zyada challenge tha build up. Isme you know simultaneously humne planning shuru kar di, build up shuru kar diya. Ab 18 kilometer andar tak pura saman leke jana, jisme aapke weapons hain, aapka rations hain, aapka कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, जब आपके पास सपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स आर देयर टू सपोर्ट यू, ओनली देन यू विल अटैक एंड कैप्चर। सो दैट टुक टाइम। एक होता है डी डे, हमने डी डे फिक्स करा 2nd of August रात के टाइम हमारा अटैक स्टार्ट होगा। उसमें हमने ना टीम्स बनाई, 8 teams were there, each team had one officer, the second team had one JCO and 20 other ranks, 20 jawans we had. So 20-20 ki team isliye because it is not a plain area to hai nahi, jo deployability hai wo bilkul limited hai, to aapko you have to go around, and then the other team which is following you cannot go from here or here. If they go from left, there's a glacier. If you go from right, they can be observed by the enemy from other side. So that is how 8 teams were made. Leader was Captain Anirudh Chauhan, and uske piche jo number 2 team thi, unke leader the Naib Subedar Abhay Singh. And then after that, the third team was Captain Ashish Bhalla. And similarly, the other teams were there. They were to be released with a gap of about 15-20 minutes. And I was there as a commanding officer at the release point, जहाँ से वो teams को आगे जाना था. जस्ट वो रिज लाइन के नीचे, फ्रॉम वेयर आई कुड ऑब्जर्व द ऑब्जेक्टिव एरिया, दैट इज 5590. सो वी स्टार्टेड एट अराउंड 7:30 इन द इवनिंग, शाम को 7:30 बजे 2 अगस्त को. टीम फेस्ड अ रॉक फेस, एज आई एक्सप्लेन टू यू अर्लियर, उन्होंने वहाँ पर रॉक फिक्स करी. सुबह 5 बजे मुझे खबर मिली, रिलीज पॉइंट पे मैं था. खबर क्या मिली, उन्होंने बताया मुझे सेट से कोड में कि सर वी
have been able to fix only about 200 meters. मतलब तकरीबन आधा हमने फिक्स करा है और डे लाइट होने वाली है. तो डे लाइट हो जाती तो वो पूरी की पूरा यू नो लाइन दे कुड बी ऑब्जर्व्ड एंड दे वर टू बी फायर्ड एट बाय द एनिमी. सो वी कॉल्ड देम बैक अगेन टू द रिलीज पॉइंट एंड 3 अगस्त को दोबारा सेम टीम ऑफ वॉलेंटियर्स दे वर रिलीज एंड दे वेंट. क्योंकि सेकेंड नाइट को हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि आधी रोप फिक्स कर दी थी, आधी रोप बाकी फिक्स करनी बाकी थी. एंड देन वी हैड सपोर्ट ऑफ सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो फ्रॉम 5 विकास. विकास इज द यूनिट विद द जवान्स आर फ्रॉम लद्दाख. सो देयर वर कपल ऑफ देम, 4-5 ऑफ देम विद अस टू हेल्प अस इन फिक्सिंग द ropes, you know, hamara. So that is how on 3rd of August we were able to fix the ropes without getting detected. You know, that is the important point, without getting detected and maintaining the full surprise. 4th ko subah we were able to reach the top. And from there, our leading task force, that is Task Force 1 and Task Force 2, they had taken the position and they could observe certain bunkers of the enemy. 4th ki shaam ko, because they were, unko bola gaya ke aap chhupao mein raho, kyunki agar din ke time अगर हम करते तो कैजुअल्टीज होने के हमारे चांसेस ज़्यादा थे, और अगर उनका काउंटर अटैक आता और या सरप्राइज लूज हो जाता तो हमारी कैजुअल्टीज बहुत हो सकती थी. ठीक है. सो शाम को दोबारा फिर अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग द सरप्राइज वॉज लॉस्ट एंड दे स्टार्टेड फायरिंग हैविली ऑन अस, ऑन Team 1 and Team 2. That is the time that the physical attack on the top was carried out by the team Task Force 1 and Task Force 2. And in that we lost one Havaldar Khan. Uske matlab unki goli jo hai bilkul na unke neck pe uski goli lagi. And in hand to hand fight we were On 5590, I think we killed about 5 Pakis. In the meanwhile, the team 3 and team 4, as I had mentioned earlier, led by Captain Ashish Bhalla, so wo aage gaye, raat ko reorg kara, and then they came for the second objective, saddle. Because when you we say about 5590, 5590 में तो दुश्मन का तकरीबन 5-6 बंकर्स थे. उसके थोड़ा नीचे जो एक सैडल बनती है वहाँ पर उनके 8-10 बंकर थे. फिर देन दे हैड टू रोल डाउन, दे हैड टू गो टू सैडल एंड देयर अगेन इन द फायर फाइट वी किल्ड देयर 3 or 4. एंड जब उन्होंने देखा कि ये पूरे के पूरे ऊपर से हमारे ऊपर आ गए हैं तो जो बाकी उनके पीछे वाले जो बंकर थे वो छोड़ के वो देन रन. सो ओवरऑल बाय 4th मॉर्निंग द सक्सेस वाज गिवन दैट 5590 एरिया एंड सैडल हैज बीन कैप्चर्ड विद 1 कैजुअल्टी. That is Havaldar Khan Singh. जैसे ही हमने ये बताया कि हमने ये कैप्चर करा है, the Defence Minister, Mr. George Fernandez, he came to Partapur, that is Brigade Headquarter, and they wanted us to display the weapons which we had
captured. Then we had taken the 18 kilometers down man pack again, those weapons, heavy weapons also. And then they were displayed to the defense minister, George Fernandes, that time an army commander, General Khanna, and General Budwar, who was the, you know, the GOC. So they all were there in picture, it's there. Of course, I was there at near 5590. So that is where. And 11 Rajarif was the first unit to go and open that sector and evict the enemy and capture that. So we get, of course, got two Veer Chakra and three Sena medals and 7 or 8 commendation cards or commendation cards and mention in dispatches. And the biggest achievement, biggest award which was given to the 11 Rajputana Rifles was unit citation. Shukriya, oh, shukriya.